नमस्कार। लैंगिक कठोरता का बाप मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के 5 टिप्स मैं भी आपको देने वाला हूँ। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होना, ये बिना दवाई का इलाज है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट है, मतलब लैंगिक कमजोरी है, लिंग में तनाव नहीं आता, जनरल पॉपुलेशन में 100 में से 10 लोग ये कंप्लेंट करते हैं। और मेरे पास जो आते हैं एज ए पेशेंट, वो 100 पेशेंट यदि आते हैं तो 100 में से 40 लोग बोलते कि हमको इरेक्शन का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम 40 उम्र के बाद में ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब 40 के बाद में क्यों होता है? क्योंकि 40 उम्र के बाद में 50% नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण कम हो सकता है। यदि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण कम है, नाइट्रिक ऑक्साइड जिससे नसें, खून की नसें जो है ना वो फूलती है और खून अंदर जाता है लिंग में, मैंने काफ़ी वीडियोज में बोला हुआ है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ गया तो अच्छा है कि खून अंदर जाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण कम हो गया तो खून अंदर जाएगा नहीं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छा है तो इरेक्शन अच्छा है, नाइट्रिक ऑक्साइड कम है तो इरेक्शन कम है। और उम्र बैठती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण कम हो सकता है और उसमें फिर इरेक्शन आता नहीं है। इरेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व का है चिंता। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस का पालन करते हैं, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लाते हैं, तो उसका असर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कम करता है स्ट्रेस और जिससे इरेक्शन नहीं आता। तो चिंता आपको कम करना पड़ेगी, चिंता मैनेज करना पड़ेगा। कोई भी मेडिसिन जो है, वायग्रा बोलो, मतलब सिल्डेनाफिल है, टैडालाफिल है, जो भी है, वो टेम्पररी है सॉल्यूशन। हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये सब मेडिसिन जो है, वायग्रा या टैडालिस जो भी है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे से काम करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के जरिए काम होता है ये मेडिसिन का। उनको बोलते हैं PDE5 इनहिबिटर्स। तो यदि वो नाइट्रिक ऑक्साइड के जरिए काम करते हैं, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड समझो हमने बढ़ाया नेचुरली, तो वो वायग्रा जैसे ही काम करेगा। तो हम वो देखते हैं कि हम कैसा बढ़ा सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। टेंशन यदि रहा, टेंशन तो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर असर पड़ता है, और स्टीरॉयड ज़्यादा सिक्रिय होना चालू हो जाता है टेंशन से। नाइट्रिक ऑक्साइड का असर टेस्टोस्टेरोन के ऊपर भी होता है, उसकी लेवल कम करता है। और स्टीरॉयड जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड स्टीरॉयड जो है उसकी लेवल बढ़ने नहीं देता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम रहा तो स्टीरॉयड की लेवल बढ़ जाएगी, स्टीरॉयड लेवल बढ़ गई तो टेंशन नहीं आएगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई हमको नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल कैसे बढ़ाना, नाइट्रेट की लेवल कैसे बढ़ाना। तो एक नॉर्मल नेचुरल है कि आप नेजल ब्रीदिंग करो। ऐसा पाया गया है कि लोग नेजल ब्रीदिंग करते हैं, नाक से सांस लेते हैं और जोर से सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और एक्सरसाइज सवेरे शाम करते हैं, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ता है एक स्टडी के अनुसार। दूसरा जो है, एक्सरसाइज ज़्यादा करो। आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, 6 से 8 किलोमीटर दौड़ना, भागना, पैदल चलना करेंगे, तो उससे क्या होता है कि एंडोर्फिन्स, डोपामिन अच्छे लेवल में सिक्रिय होते हैं, और एक्सरसाइज से स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। स्ट्रेस कम होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा। फिर खाने में क्या है, 5 आइटम बताता हूँ। नंबर 1, स्पिनेक मतलब पालक। पालक की सब्जी आप रोज़ खाते हैं तो 100 ग्राम पालक में 24 से 387 मिलीग्राम नाइट्रेट होता है। तो आप पालक रेगुलरली खाना चालू करो। पालक बहुत ही बैलेंस्ड वेजिटेबल है, इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन्स है। नंबर 2 है, वो है कैबेज। और कैबेज का एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं बॉक चाय, मतलब ये चाइनीज कैबेज है, एक पत्ता आता है वो। तो वो यदि आप लेते तो 100 ग्राम्स बॉक चाय में 103 से 309 मिलीग्राम नाइट्रेट रहता है। तो वो भी आप सैलेड में खा सकते हैं। लेट्यूस एक प्रकार का वेजिटेबल है। नंबर 3, लेट्यूस एक प्रकार का वेजिटेबल है, वो आप खाने में लेते हैं तो उसमें 100 ग्राम में 13 से 267 मिलीग्राम नाइट्रेट रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। मतलब नाइट्रेट जो है वो प्रिकर्सर है नाइट्रिक ऑक्साइड का।
तो ये तीनों भी स्पैनक, बॉक चॉय, लेट्यूस, ये तीनों भी आप सब्जी खाते हैं, सलाद लेते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने में होगा और उसका फायदा आपको सेक्स लाइफ में होगा। नंबर चार, बीट जूस, बीट रूट जूस। बीट रूट जूस आप लेते हैं ना, ऐसा पाया गया है कि बीट रूट जूस आप एक ग्लास लेते हैं तो 21% नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल बढ़ती है 25 मिनट के अंदर। इतना पावरफुल है बीट जूस, तो वो आपने लेना वो जरूरी, रेगुलरली बीट जूस लेना जरूरी है। नंबर पाँच है वो एक कैरेट्स, गाजर। 100 ग्राम्स गाजर आप खाते हैं तो उसमें 92 to 195 मिलीग्राम नाइट्रेट्स रहते हैं। तो ये पांच चीज़ें आप खाते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। इसके अलावा, ये चीज़ों के अलावा, गार्लिक, लहसुन, मीट मतलब मांस, डार्क चॉकलेट, फिर साइट्रस फूड्स, अनार, फल्ली दाना, तरबूज, वाटरमेलन, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल बढ़ाने में बहुत कारगर है। आपको शुगर कम करना है। शुगर में क्या होता है कि शुगर जितनी ज़्यादा है, जितनी मात्रा में ज़्यादा है, वो एथरोस्क्लेरोसिस का काम करती है, मतलब एथरोस्क्लेरोसिस बढ़ाती है ब्लड वेसल का, मतलब जो खून की नलियाँ हैं उसका अंदर का अस्तर जो है मोटा होता है, और यदि मोटा हो गया तो खून बहना कम हो जाता है पेनिस में, जिससे तनाव नहीं आता। शुगर कम करना है, स्ट्रेस कम लेना है, और स्लीप, नींद 6 से 8 घंटे सोना है। यह आप करते हैं तो आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है वो पूरा ठीक हो जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।